जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद कर दिया वो शर्मिंदा है। आज के वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है ये। पांच गलतियाँ जो मैंने किया है जिसके कारण मेरा लॉस हुआ, और जनरली 90% ट्रेडर इस गलती को करते हैं। जब शुरुआत में रहते हैं तो ये सब गलतियाँ होती हैं। जैसे क्या था, मैंने माइंड में एक दिन पहले ही प्लान करके बैठा था कि स्कैल्पिंग करूंगा मैं, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर में जितना प्रॉफिट होगा बुक करूंगा, लॉस भी होगा तो बुक करके एग्जिट कर दूंगा मैं। ये मैंने एक रात पहले प्लान किया था, और जिस दिन मैं ट्रेड करने वाला था उससे एक दिन पहले मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था स्कैल्पिंग में। अब हुआ क्या मेरे साथ, मैं 9:15 में बैठ गया, 9:30 तक स्कैल्पिंग किया, और वहां पर मैं देख रहा था कि करीब मेरे को 2% से ज्यादा प्रॉफिट हो गया था, 2% से लगभग ज्यादा प्रॉफिट मेरे को यहां पर हो गया। लेकिन फिर भी मेरी लालच थी कि नहीं, ये और भी जाएगा, क्योंकि पहले वाला दिन जो है ना, ज्यादा मैंने प्रॉफिट बुक किया था। वो हो सकता है कि मार्केट उस हिसाब से बढ़ गया था, लेकिन आज भी मेरी एक्सपेक्टेशन वही थी, क्योंकि 15 मिनट के इंटरवल में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। तो मिनिमम आप चाहो तो 2% का प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हो, अपनी दिन की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि 2% प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लो कि एक दिन में 2% आपने बुक किया, अगर मान लो 20 दिन पूरे महीना में आप ट्रेड कर रहे हो, तो टोटल मिला के 40% की प्रॉफिट एक मंथ में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन ये माइंडसेट होने के बाद भी मेरे को प्रीवियस प्रॉफिट याद था कि ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, और उसके कारण मैं वेट करते रहा, और इस घमंड में, और साथ ही साथ मैंने कोई एसएल भी नहीं लगाया था। ये देखो, कोई एसएल नहीं लगाया था, मेरे को लगा कि इतना प्रॉफिट काट करके मैं निकल जाऊंगा। और साथ ही साथ क्या हुआ कि कुछ मैंने कॉल, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से बाई करके रखा था, कुछ शॉर्ट करके रखा था, कुछ शॉर्ट भी कर लिया मैंने, लगा लगा मेरे को लगा कि नीचे जाएगा, तो जिसके कारण थोड़ा मेरे को दिक्कत आ गई। तो एक गलती मेरे से यही हुआ कि जो टारगेट मैंने इमेजिन किया था वो टारगेट मैंने माइंड में नहीं रखा, हालांकि ये टारगेट मेरे को मिल चुका था, लेकिन लालच के कारण मैंने इस टारगेट को होल्ड नहीं किया, इस विनर को मैं होल्ड नहीं किया। दूसरा क्या था कि लॉस कुछ दिख रहा था, उसके बाद भी मैंने जो परचेस किया था, जो पुट परचेस किया था, इंडिकेटर हालांकि बता रहा है कि भैया नीचे जाएगा, मार्केट भी क्या था साइडवे चल रहा था, लेकिन क्या होता है ना, जब थोड़ा सा लॉस दिखता है तो माइंड काम करना बंद कर देता है। और मैं इस चीज को देख रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन पेशेंस की कमी हो गई। फिर मैंने देखा कि नहीं, अब थोड़ा सा भी अगर मेरे को प्रॉफिट दिखा तो मैं कट करके निकल जाऊंगा। और एग्जैक्टली जो पुट लिया हुआ था, जो नीचे शॉर्ट किया हुआ था, तो वहां पर कुछ प्रॉफिट मेरे को दिखा, ज्यादा नहीं, 300-400 रुपया का प्रॉफिट दिखा, तो मैं वहां से कट करके निकल गया। और पता चला उसके बाद मार्केट 300 पॉइंट नीचे चला गया। अगर मैं उसको रखता जहां पे 300 प्रॉफिट करने वाला था, वहां 7 से 8 हज़ार रुपये मेरे को प्रॉफिट होता। बस 10 से 15 मिनट का अगर मेरे पास और पेशेंस होता तो। लेकिन क्या हुआ ना कि थोड़ा सा लॉस होने लगा तो माइंड काम करना बंद हो गया। मैंने जो भी रूल बनाया था, जो भी मैंने अपने लिए सेटअप सेट करके रखा था, उस सारे सेटअप को मैं भूल गया और लॉस होना स्टार्ट हो गया। अब दिक्कत क्या हुआ, करीब 15 मिनट के बाद वो मार्केट इतना नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, जो मेरे को 600, मतलब कह सकते हो 6,000 का मिनिमम प्रॉफिट देने वाला था। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब यहाँ पे मेरे को एंट्री करना चाहिए, जबकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ गया था। फिर मेरी गलत एंट्री हो गई, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया बिना सोचे समझे, मेरे को लगा और थोड़ा सा मार्केट नीचे चला जाएगा। तो पता चला जैसे मैंने और शॉर्ट किया, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर होने लगा। तो ये मेरी कुछ गलतियां हैं जो कि मैं यहां पर किया, मोर ब्रेकआउट के बाद फिर लेट एंट्री मैंने कर दिया। तो क्या होता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर डिसिप्लिन लाना होगा। मार्केट में जितना टारगेट बनाकर आए हो उतना पहले करो, छोटा छोटा पहले प्रॉफिट बुक करो। और पता चला कि मैं ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में ज्यादा नुकसान अपने कर दिया, जबकि मेरा 700-800 का स्टार्टिंग में 15 मिनट के अंदर में हो सकता था, और दिन भर में फ्री होकर के काम कर सकता था। अब पता चला कि 5,000 का लॉस मेरे को दिख रहा है, तब तो उसका असर पूरे दिन भर भी रहता है,
हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ बता रहा हूँ कि जो भी आप टारगेट प्लान करके आए हो उसमें स्टिक रहो, उसके बाद ऊपर गया नीचे गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतनी प्रॉफिट कमाओ निकलो और फिर आगे बढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी सी आपको मदद मिली होगी, क्योंकि ये सारा का सारा खेल साइकोलॉजी पर है। अरे पैसा ही तो है, पैसा हमारी ज़िंदगी को बनाने के लिए है, ज़िंदगी पैसे के लिए नहीं है, पैसा ज़िंदगी के लिए है, ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।